कशिश न्यूज की 9 बजे की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झारखंड पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव। झारखंड के प्रभारी डीजीपी बने हैं अनुराग गुप्ता। अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जिम्मा। प्रशांत कुमार सिंह का संचार एवं तकनीकी शाखा में तबादला हुआ है। वहीं गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। तो झारखंड के प्रभारी डीजीपी बने अनुराग गुप्ता। अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जिम्मा सौंपा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रशांत कुमार सिंह का संचार और तकनीकी शाखा में तबादला हुआ है। वहीं गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व पुलिस में बड़ा बदलाव हुआ है। पुलिस विभाग के मुखिया समेत 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आईपीएस अनुराग गुप्ता को झारखंड के प्रभारी डीजीपी का जिम्मा मिला है, जबकि अजय कुमार सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भेज दिया गया। उसके अलावा झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पदस्थापित प्रशांत कुमार सिंह का तबादला करते हुए संचार और तकनीकी शाखा में भेजा गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। तो गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना, बड़ी खबर हम आपको झारखंड पुलिस महकमे में आए बदलाव की दे रहे हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव से पूर्व पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव। पुलिस विभाग के मुखिया समेत 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बताएं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले पूरे पुलिस महकमे में शीर्ष पे ये इस तरह का परिवर्तन लाया गया है, बदलाव लाया गया है, क्या कहेंगे आप? जी काशिफ, ठीक है। कभी भी उसकी सुबुगाहट हो चुकी है और जल्द ही 2 से 3 महीने में झारखंड जाने वाला है और उसी बीच काफी मायने रखता है। बहरहाल राज्य सरकार ने 1999 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया है। वर्तमान में अनुराग गुप्ता सीआईडी डीजी के अलावे एटीबी के डीजी के पद पर भी तैनात है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो प्रतिस्थापित प्रशांत कुमार शाखा का डीजी बनाया गया जी। तो 3 जो शीर्ष के पुलिस अधिकारी को लेके गृह विभाग की तरफ से काफी अहम है। इस तरीके से अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजी है, क्योंकि अनुराग एक तरीके से ये भी बता दूं मैं कि अनुराग गुप्ता हेमंत सोरेन के करीबी भी रहे हैं और जेएमएम सरकार में उनकी करीबी शुरू से देखी गई है, तो ये भी वजह हो सकती है कि उन्हें बनाया गया। जी तो तय है कि चुनाव को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के सख्त होने की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अगर ये बोला जाए कि सिर्फ चुनाव ही कारण नहीं है, झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को भी नजर में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं, तो क्या ये सही होगा? जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इन दिनों थोड़ी सी बिगड़ी है, इसको लेकर लगातार बैठक की जा रही थी पुलिस मुख्यालय में। डीजीपी खुद बैठक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी और सीएम की तरफ से भी बार बार निर्देश दिए कीमत और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक किए थे डीजीपी के साथ और उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पे लॉ एंड ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शहर में शांति बनी रहनी चाहिए। इसको लेकर लगातार आज ये अधिसूचना जारी होती है, सरकार और सख्त होने जा रही है और हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में लेने के लिए भी ये फैसला लिया गया हो। जी, लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से और आने वाले चुनाव को देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है पूरे महकमे में। अगर शीर्ष को देखा जाए तो 3 जो बदलाव किए गए हैं, जहां अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जिम्मा सौंपा गया है, तो उसी तरह अगर हम बात करें प्रशांत कुमार सिंह को संचार और तकनीकी शाखा में उनका तबादला कर दिया गया और अनुराग गुप्ता को पुलिस मुखिया बनाया गया, तो कह सकते हैं कि ये बड़ी खबर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी आपका शुक्रिया, खबर पर नजर बना रखें। झारखंड पुलिस विभाग में ये फिलहाल बड़ा बदलाव हुआ है, आने वाले चुनावों के बारे में कहा जाए को देखते हुए या लॉ एंड ऑर्डर की उभरती हुई समस्या को देखते हुए भी झारखंड में ये चीजें की गई हैं, तो उस तरह से सिचुएशन को अगर माना जाए तो झारखंड में चीजों को कंट्रोल करने के लिए